अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रजनीक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 27 सर्किट्स प्रॉब्लम 66 फिक दे दी गई है। 27.67 दो सर्किट हमें दिखाए जा रहे हैं जिसमें वो कहता है चार्ज कैपेसिटर है जिसने डिस्चार्ज होना है। ठीक है, अब पहले कैपेसिटर में 20 ओम की रेजिस्टेंस है, 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, दूसरे में 10 ओम की रेजिस्टेंस है, 8 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। अब दोनों कैपेसिटर्स के जो इनिशियल चार्जेस की रेशियो है वो 1.5 है। वो कहता है जब टाइम जीरो होता है तो स्विच क्लोज थे, फिर आपने स्विच ओपन किए, वो कहता है किस टाइम पे दोनों कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज होगा। अब दोनों कैपेसिटर्स का टाइम कॉन्स्टेंट निकाल लेते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट आर और सी होता है, आर भी पता है सी भी पता है, दोनों का टाइम कॉन्स्टेंट पता लग गया। अब जो हमें क्वेश्चन मार्क है वो है ऐसा टाइम निकालो जब सेम चार्ज होगा, तो मैं दोनों पे सेम चार्ज निकाल लेता हूँ, मुझे टी की वैल्यू नहीं पता, टाइम कांस्टेंट भी पता है पहले का और इब्तदाई चार्ज भी हम वन से रिप्रेजेंट नॉट से क्यू नॉट वन क्यू नॉट टू कर लेते हैं। अब गिवन स्टेटमेंट ये है कि सेम चार्ज है तो क्यू वन बराबर होना चाहिए क्यू टू के, दोनों को बैलेंस कर देते हैं, जहां से रेशियो उठा लेंगे क्योंकि हमें क्यू टू ओवर क्यू नॉट दिया हुआ है, तो इसकी रेशियो हम ऐसे बना लेंगे। अब क्या जनाब, आपके पास नीचे वाले ई को ऊपर ले आएंगे, उसकी पावर चेंज हो जाएगी, तो पावर इकट्ठी करके लिख देंगे, दोनों तरफ का नेचुरल ले लेंगे। अब आपके पास टी रिक्वायर्ड है, टी को एक तरफ कर देंगे, बाकी चीजें दूसरी तरफ, ये फैक्टर नीचे से ऊपर ले आएंगे। अब आपके पास इस रेसिप्रोकल करके टाइम कॉन्स्टेंट्स को लिख देंगे और इस सारे में क्यू टू ओवर क्यू नॉट हमें 1.5 पता, तो इस सारे को सॉल्व करेंगे 1.62 × 10⁻⁴ सेकेंड आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।